और अब बात देश के उस विधानसभा चुनाव की जो बीजेपी की साख और तृणमूल के अस्तित्व का सवाल बन गया है। जीत के लिए दमखम झोंक रही बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी उनके अभियान से डर गई है। दरअसल 6 फरवरी से बीजेपी राज्य में परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। इन यात्राओं को प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने पर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि अगर इजाजत नहीं दी गई तो पार्टी कोर्ट जाएगी। ममता बनर्जी भी अपने प्रचंड चुनावी प्रचार में जुटी है। ममता ने आज अपनी रैली से टीएमसी छोड़ने वालों पर निशाना साधा। दरअसल उनकी पार्टी छोड़ चुके शुभेंदु अधिकारी ममता के आंदोलन की गवाह बनी धरती नंदीग्राम से उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं और ममता भी नंदीग्राम से चुनाव में कूद रही हैं। बंगाल की सियासत में सरगर्मी बढ़ रही है और नंदीग्राम राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। बंगाल में जय श्री राम। बीजेपी के जय घोष से डरी ममता। बीजेपी के परिवर्तन प्लान में अड़ंगा। बंगाल में रथ यात्रा पर रण। जहां कभी लाल झंडों के साथ नक्सलवाड़ी लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां जय श्री राम का घोष हो रहा है। जहां कभी ममता की पार्टी के झंडे लहराते थे, वहां सब गेरुआ दिख रहा है। ये रोड शो है टीएमसी छोड़ बीजेपी के साथ जुड़ चुके शुभेंदु अधिकारी का। 2019 में बीजेपी ने हाफ कर दिया था, इस बार हम सब लोग मिला के साफ कर देगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल के भीतर इसी बड़ी जीत ने बीजेपी को यह भरोसा दिलाया कि अब राह आसान है। इसलिए बीजेपी की लिस्ट में सबसे ऊपर बंगाल आ गया और रणनीतियां भी उसे केंद्र में रखकर बुनी जाने लगी। पश्चिम बंगाल के नवद्वीप से बीजेपी 6 फरवरी को पूरे राज्य में परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत कर रही है, जिसे जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। 11 फरवरी को इन यात्राओं में अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन रथ यात्राओं को फिलहाल राज्य सरकार की ओर से मंजूरी नहीं दी गई है। पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि बीजेपी को उस जगह से प्रशासन से अनुमति लेनी होगी जहां से रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। इन रथ यात्राओं से कानून व्यवस्था बिगड़ने की बात कहते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका भी लगाई गई है। इस सब मामले पर बीजेपी ने कहा है कि डरी हुई ममता बनर्जी रथ यात्रा रोकने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि अगर राज्य सरकार ने रथ यात्रा को अनुमति नहीं दी तो पार्टी कोर्ट जाएगी। वहीं टीएमसी का कहना है कि बीजेपी ध्रुवीकरण के लिए रथ यात्रा निकाल रही है। रथ यात्रा नॉट ओनली रथ यात्रा, देयर ईच मूवमेंट इज टू पोलराइज बंगाल। द ईच मूवमेंट हैज बीन, दे हैव टेकन टू क्रिएट अ डिविजन विद इन द बंगाल, द हार्मनी ऑफ द बंगाल, बट वी कांट डिस्ट्रॉय इट बिकॉज देयर इज আওয়ার সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির। আর 6 তারিখ নবদ্বীপ থেকে মাননীয় সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডাজির হাত দিয়ে প্রথম যাত্রার উদ্বোধন হবে এবং আবার তিনি 9 তারিখ আসবেন, সেদিন দুটো যাত্রার উদ্বোধন হবে। মাননীয় অমিত শাহ 11 তারিখ আসার কথা আছে, কুচবিহার থেকে একটা যাত্রা শুরু হবে। আপাতত আমরা পারমিশনের জন্য দিয়েছি, দেখা যাক তারপরে বিকল্প রাস্তা সে চলতে থাকবে। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना किला मजबूत करने में जुटी है तो ममता बनर्जी अपनी पार्टी की बाड़े बंदी करने में आक्रामक रुख अपना रही है। मोदी जी ने क्या कहा था, 15 लाख करके रुपया हम सबको बैंक में डाल देंगे, आज तक एक को मिला नहीं मिला, लेकिन आज क्या किया बोलता है, रेल को प्राइवेटाइजेशन कर दो। ममता बनर्जी के सामने 2021 का चुनाव सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है, लेकिन उनके सबसे भरोसेमंद साथी साथ छोड़ रहे हैं तो ये बौखलाहट जायज है। ममता बनर्जी ने अपने पूर्व साथियों पर इसी खींच के कारण शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोला है। ममता ने शुभेंदु के गढ़ और उनके आंदोलन की धरती रहे नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। यानी पश्चिम बंगाल की राजनीति का मुख्य बिंदु बनने जा रहा है नंदीग्राम। इसलिए न्यूज़18 ने नंदीग्राम का मिजाज जानने की कोशिश की। जिस धरती को अपना गढ़ समझकर ममता मैदान में कूदी हैं,
आखिर उस धरती के लोग क्या सोचते हैं। नंदीग्राम में टीएमसी के झंडे लहराते मिले, ममता बनर्जी का हाथ जोड़े एक बड़ा सा कटआउट चौराहे पर लगा हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या राजनीतिक चौराहे पर खड़ी ममता के लिए नंदीग्राम जीत की राह खोलेगा या बंद करेगा। 2006-07 नंदीग्राम आंदोलन के बाद ही पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को विपक्ष की नेता के तौर पर स्वीकार किया और यही वजह था कि 2011 में ममता बनर्जी सूबे की मुख्यमंत्री बनी। इस वक्त मेरे आसपास आप जितने भी खेत देख सकते हैं, इन सभी खेतों में उस समय की लेफ्ट सरकार इंडस्ट्रीज लगाना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी के आंदोलन के वजह से यहां पर इंडस्ट्री नहीं लग पाई। जानकार बताते हैं कि नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए ट्रंप कार्ड है और इसी वजह से एक बार फिर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का रुख किया है और ऐलान कर दिया है कि 2021 का विधानसभा चुनाव वो नंदीग्राम से ही लड़ेंगी। नंदीग्राम ने तो ममता को सत्ता तक पहुंचा दिया, लेकिन 10 साल की ममता राज के बाद नंदीग्राम कहां तक पहुंचा? नंदीग्राम में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल आने वाला था तो उसको रोका गया है टीएमसी द्वारा। 2018 का जो पंचायत वोट था, दो किसान परिवार का आदमी को मारा गया है। इस तरीका से यहां ममता बनर्जी ने आके जिस तरीका से बोल के गया है, अहिंसा और बढ़ाने के लिए बोल के गया, मैं नंदीग्राम से लड़ूंगा, इसलिए माने आदमी से सब कोई डर है, जो इस बार भी उसी तरह अहिंसा होने वाला है। तीन चार चीज हम लोग देखने मिल रहा है, किसान को जो नरेंद्र मोदी का जो 6000 साल में जो पेंशन मिल रहा था वो रोका गया, क्योंकि किसान को अकाउंट में पैसा देना था। ममता बनर्जी वो अकाउंट नहीं नंबर दिया अभी तक। और जो आयुष्मान जो मेडिकल टीम मेडिकल जो हम लोग का फैसिलिटी वो नहीं मिल रहा है। नंदीग्राम के इन्हीं खेतों में वाम सरकार ने फैक्ट्री लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इन खेतों में तालाब दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नंदीग्राम के गोकुल नगर गांव में और यहां पर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मेरे आसपास जितना भी ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये इस इलाके में यहां पर ये खेती की जमीनें हैं, लेकिन यहां पर खेती नहीं हो रहा है। वजह यह है कि यहां पर जो पानी का जो जल स्तर है वो काफी नीचे है, तो लिहाजा यहां के जो किसान है वो मछली पालन यहां पर कर रहे हैं। आप यहां तस्वीरों में आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहां पर मछली पालन किया जा रहा है। अभी कोरोना काल से एक साल हो गया, बहुत सारी बेकार, हमारा फ्रेंड्स और मेरा छोटा भाई बहुत अभी घर पे ही बैठे हैं। खेती के लिए बरसात के पानी पर निर्भर नंदीग्राम के किसानों की आमदनी का जरिया मछली पालन है, लेकिन छोटा मजदूर किसान वो भी नहीं कर सकता, तो लोग कह रहे हैं कि फैक्ट्री जरूरी है। फैक्ट्री तो चाहिए, फैक्ट्री ना चाहेगा वो तो काम करना है। अब दिल्ली बम्बई गुजरात फिलहाल जिसको मिला है वो तो जिसका पास है, मतलब जो नेता वगैरह है उसी को मिला है, उसके अलावा और दूसरा गरीब वगैरह को मिला ही नहीं। इस एरिया में पहले फैक्ट्री लगने वाली थी आपके? हाँ, लगने वाला था। आप लोग को क्या फिर से फैक्ट्री होना चाहिए कि नहीं? हाँ जरूर होना चाहिए ना, होगा तो अगर बेकार वगैरह समस्या का लिपट जाएगा ना। लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, ममता के इलेक्शन एजेंट के दावे कुछ और हैं। नंदीग्राम में 7000 करोड़ रुपया संसन कर रहता है, जो परिवार वालों को पानी देता है, जो काम शुरू हो जाएगा वो काम होता है, उसके लिए कोई गलत नहीं होता है। जो ममता जी 2007 साल में जो नंदीग्राम में बीयूपीसी का जो आंदोलन है, भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी का जो आंदोलन है, वो आंदोलन के लिए लड़ने वाला जो दीदी है ना, किसानों का मन कैसे, किसानों वो तो रहेगा और फैक्ट्री हो चाहिए, वो कोई बात नहीं है। जो लाख वोट से ज्यादा वोट से जीतेगा। नंदीग्राम इस बार बंगाल की सबसे बड़ी रणभूमि होने वाला है। नंदीग्राम के लोग सोचते हैं कि 10 साल की ममता राज में उन्हें कुछ नहीं मिला, अब बीजेपी से आस है। ममता दी तो वो वोट लेके चेयर लेके इधर से गायब हो गई, फैक्ट्री लगानी, लड़के लोग को काम भी मिला नहीं, अभी ये लोग काम के लिए अलग स्टेट में जा रहा है, ये बहुत दिक्कत है। अभी खेती में धान भी हुआ नहीं और फैक्ट्री भी हुआ नहीं, और फैक्ट्री बनाने के लिए मोदी जी को चाहिए, ममता जी को नहीं चाहिए। हम लोग नंदीग्राम का लोग ममता जी को अभी नहीं चाहिए। नंदीग्राम इस बार बंगाल की सबसे बड़ी रणभूमि होने वाला है।
इस बार के नंदीग्राम विधानसभा चुनाव पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि यहां से टीएमसी की सुप्रीमो और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनावी मैदान में हैं, और ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए उन्हीं के पूर्व सहयोगी और बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी चुनावी मैदान में होंगे। लिहाजा यहां का चुनाव दिलचस्प हो जाता है। अगर नंदीग्राम के लोगों की बात करें तो नंदीग्राम के लोगों का कहना है कि उनके इलाके में खेती करना काफी मुश्किल है, क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे है। लिहाजा वो चाहते हैं कि उनके इलाके में इंडस्ट्रीज आए और जो विकास करेगा उसी के साथ वो खड़े होंगे। ममता को सत्ता तक पहुंचाने वाले दो आंदोलन रहे, नंदीग्राम और सिंगूर। सिंगूर में भी ममता बनर्जी ने फैक्ट्री के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा था। ये एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन रहा जिसने लाखों किसानों को बर्बाद कर दिया। ममता 2011 में जब सत्ता में आई तो डायनामाइट से फैक्ट्री को उड़ा दिया। तब से सिंगूर के किसान भूमि होते हुए भी भूमिहीन होकर रह गए, क्योंकि जमीन खेती लायक ही नहीं रही। अब इसी बंजर जमीन को ममता ने अपनी वोट भूमि बनाने का आखिरी दाव चला है। ममता बनर्जी ने यू टर्न लेते हुए उसी जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान किया है। लेकिन क्या सच में सिंगूर का किसान ममता पर भरोसा कर रहा है? बंजर जमीन पर ममता की वोट खेती। टीएमसी ने पहले सिंगूर को उजाड़ा, सिंगूर का आदमी को लोगों तो दीदी ने मर दिया। अब वोट भूमि का आखिरी दांव। सिंगूर फिर से नया से बनेगा, नया से रूप लेगा, और जो करेगा उनका नाम है ममता बनर्जी। सिंगूर बनेगा ममता राज का अंत। जो सिंगूर से ममता बनर्जी का उत्थान हुआ था 2011 में, और सिंगूर से ममता बनर्जी का पूरा पतन भी होगा। ये बंजर जमीन का वो असीम विस्तार है जो पश्चिम बंगाल में राजनीति का नया केंद्र बन गया है। हुगली के सिंगूर की ये बंजर भूमि ममता बनर्जी के अस्तित्व से जुड़ी रही है। साल 2006, यही वो साल था जब इस धरती पर बन रहे टाटा नैनो के कारखाने के विरोध में ममता बनर्जी ने आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि टाटा की फैक्ट्री इतिहास हो गई, और ममता ने सरकार बनाकर वामपंथ की बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार को सिरे लगाने का इतिहास रच दिया। 2011 में जब ममता सत्ता में आई, तब से ये जमीन और जमीन के मालिक सरकार की तरफ बड़ी आस से देख रहे हैं। इस जमीन पर बनी कंक्रीट लोहे के फैक्ट्री को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया गया, और बस इस वजह से इस धरती के लोगों का अभिशाप शुरू हो गया। इस धरती से बंगाल की सरकार बदलने का इतिहास लिखा गया, और इसी धरती पर एक बार फिर बंगाल की राजनीति आकर ठहर गई है। कभी इस जमीन पर बना कारखाना तोड़ने वाली ममता बनर्जी ने यहां इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने भी सिंगूर की बंजर हो चुकी जमीन पर टाटा कारखाना लगाने की कोशिश का ऐलान किया है। 2006 से मीलों मील तक फैली जमीन के मालिक परेशान हैं। जो 997 एकड़ जमीन सोना उगलती थी, अब बंजर पड़ी है। इस इलाके के किसानों के मन की टोह लेने उनकी व्यथा जानने पहुंचा न्यूज 18 इंडिया। ममता बनर्जी ने 2011 में सूबे की कमान थामते ही किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी। मेरे आसपास जितनी भी जमीनें आप देख सकते हैं, ये सिंगूर की वो बंजर जमीन है जिसको लेकर यहाँ के किसान बेहद परेशान है। किसानों को इनकी जमीन तो वापसी मिल गई, लेकिन यहाँ पर वो खेती नहीं कर सकते हैं। 2006 में ममता बनर्जी ने यहीं पर आंदोलन किया था और आरोप लगाया था उस समय की लेफ्ट सरकार पर कि उस समय की सरकार ने किसानों से जबरदस्ती ये जमीन लेकर फैक्ट्री बनाने के लिए दे दी है। लेकिन आज की तारीख में ममता बनर्जी खुद इस जमीन पर फैक्ट्री लगाने की बात कर रही है, और तो वहीं यहां के किसान जो हैं उनका कहना है कि वो बेहद परेशान है, क्योंकि यहां पर खेती की जमीन पर वो खेती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जमीन के नीचे से बड़े बड़े पिलर्स निकल रहे हैं, लोहे निकल रहे हैं, और ये उपजाऊ अब रही नहीं है। किसानों को जमीन तो वापस मिल गई, लेकिन वो किसी काम की नहीं रही।
फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन पर पिलर खड़े किए गए और फैक्ट्री गिराने के बाद जमीन में दबे लोहे और कंक्रीट ने उसे बंजर बना दिया। ये जो नजारा आप देख पा रहे हैं ये नजारा है सिंगूर का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंगूर के गोपाल नगर गाँव में और इस गाँव की जितनी भी जमीने हैं वो सब बंजर पड़ी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं भी खेती नहीं हो रही है। और यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में कि इस वक्त जो है एक किसान जो है अंदर यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर खुदाई का काम यहाँ पर लगातार जारी है। बड़े बड़े पिलर्स यहाँ पर जमीन के नीचे है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री लगने वाली थी और 2006 में जब ममता बनर्जी ने टीएमसी ने जब यहाँ पर आंदोलन किया था कि ये फैक्ट्री यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए। रोजाना खुदाई करके आ रहा है, लोहाई वगैरह लेके जा रहा है, क्या करेंगे? कितने पैसे मिल जाते हैं अभी आप? जो जो भाव है, जो लोहे के जो कीमत है वही भाव भेज रहे हैं। कितने 200-300 कितने मिलते हैं? ऐसा होता है 200-250 रुपए हो गया ऐसे ही, उसी से आपके पालन पोषण हो रहा है। हाँ, पालन पोषण हो रहा है, क्या करेंगे? पहले किसान हल कुदाल लेकर इस जमीन पर पहुंचते थे लेकिन ममता का आंदोलन विनाश बनकर आया। अब लोहा काटने के ब्लेड ही यहाँ खेती के औजार हैं। शिव कुमार की तरह ही गोपाल नगर के इस किसान की भी किस्मत फूट गई। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंगूर के गोपाल नगर गाँव में और यहां पर आप तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहां की जितनी भी आसपास की जितनी भी जमीनें आप यहां पर आप देख सकते हैं ये सारी जमीनें बंजर हैं। यहां पर किसी भी तरीके से खेती नहीं होती है, यहां के किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और जिन किसानों के पास थोड़ी भी बहुत लागत है तो वो इस तरीके से यहां पर जैसे गोपाल नगर में देखिए इस जमीन पर खेती नहीं हो सकती थी और क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये राख है, ये डस्ट है और इस डस्ट पे कभी भी राख पे ये मिट्टी नहीं है, ये राख है। यहाँ पर तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये राख है और इस राख पर कभी खेती नहीं हो सकती। इस वजह से जो इस जमीन के जो किसान हैं उन्होंने यहाँ पर एक तालाब बनाने का फैसला लिया है। हाँ, तो एकदम जंगल हो गया, पूरा जंगल हो गया, देखो ना, दिखाओ, पूरा जंगल हो गया। ये तालाब मछली होगा है? ये जो काला मिट्टी है देखो, देख रहा हूँ। हाँ, ये जो काला मिट्टी है, हाँ। इधर पानी फेंकने से मछली नहीं बनता, मछली भी मर जाएगा। आदमी लोग को, सिंगूर का आदमी के लोग को तो दीदी ने मर दिया और इधर मछली इस तालाब में छोड़ेगा ना, मछली भी मर जाएगा। गोपाल नगर के सुशांतो को टाटा की फैक्ट्री में नौकरी मिली थी लेकिन ममता की राजनीति ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गोपाल नगर गाँव के सुशांतो। सुशांतो, ये बताओ, मुझे जानकारी मिली थी कि जब यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जा रही थी उस वक्त आपका काम वगैरह शुरू हो गया था, यहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे थे। हम टाटा से ट्रेनिंग लिया, हमार जमी खेती ए शिल्प में है, तो हमारो एक स्वप्न था जो हम ये टाटा फैक्ट्री से काम करेगा, तो हठात हमार सपना चूर चूर हो गया। सिंगूर के किसान कह रहे हैं कि माँ माटी और मानुष का नारा देने वाली सरकार ने उनकी माँ जैसी माटी को तबाह कर दिया। मैं समझता हूँ कि ममता जी 2021 का जो चुनाव आ रही है, इस चुनाव को जीतने के लिए जनता को मन जीतने का कोशिश कर रहे हैं केवल मात्र। इनके बातों पर ना किसान भरोसा करता है, ना युवा छात्र भरोसा करता है, ना मतलब कामकाज आदमी को ये भरोसा नहीं है कि यहाँ पर हमको नहीं, सारा बंगाल का लोगों को भरोसा नहीं है कि वो फैक्ट्री लगाएंगी। यहाँ फैक्ट्री वो लगाएंगी नहीं, केवल राजनीति कर रही हैं वोट के लिए, वोट पॉलिटिक्स कर रही हैं। आप देखिए क्या स्थिति है, सारा देखिए, इधर देखिए क्या स्थिति है। जिस जमीन में सोना उगलता था आज उस जमीन के अंदर से लोहा उगल रहा है। ये लोहा क्या जमीन से उगल रहा है? ये ममता जी का बनाया हुआ लोहा है। 2006 में इस जमीन पर फैक्ट्री बनाने के लिए भराव करके इस इलाके को ऊंचा किया गया। गहरी जमीन को पाटने के लिए भराव में राख का इस्तेमाल किया गया। राख से जमीन की उपजाऊ क्षमता खत्म हो गई। फैक्ट्री बनाने के लिए इस जमीन पर बड़े बड़े पिलर बनाए गए। पिलर के कंक्रीट और लोहे से जमीन पूरी तरह बंजर हो गई। जहाँ कभी फसलें लहलहाती थी वहाँ अब दूर दूर तक घास के बंजर मैदान नजर आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंगूर के सिंगर भेड़ी गांव में और मेरे साथ यहाँ पर आपका नाम क्या हुआ? चर्चिल मंडल। चर्चिल मंडल, चर्चिल हमारे साथ हैं। चर्चिल, ये बताइए, ये जमीनें आपकी हैं? है, मेरा तो 2 एकड़ जमीन था। पहले बम्पन सर कर आया, बोला फैक्ट्री है, मैं तो खूब खुशी है, मैं दूसरे स्टेट में काम कर रहा है, ज्वेलरी का काम राजस्थान में।
मैं तो जमी दिया, बोला फैक्ट्री हुआ। हाँ हाँ, पूरा फैक्ट्री तो तैयार हो गई। आप उसी में नौकरी करने वाले? हाँ, नौकरी करने वाला। लेकिन आपको दुख हुआ जब टूटा? दुख हुआ, टूटा कैसे घर चलेगा, 10 साल पिछले 10 साल तो हो गया। ममता सरकार ने जमीन पर बना कारखाना ये कहते हुए तुड़वा दिया था कि बंगाल को कारखाने की नहीं खेती की जरूरत है, इसीलिए यहाँ ट्यूबवेल भी बनवाया गया था। ये समरसेबल है खेती करने के लिए? ये उस वक्त जब आपको जमीन वापसी दी गई थी तो पानी निकालने के लिए यहाँ पे जो अब पानी निकालने के लिए समरसेबल बना दिया है, लेकिन यहाँ के थोड़ी चास होगा, चास होने का तो कोई उपयोगी नहीं है। तो यहाँ पे फैक्ट्री है तो के ऊपर मिट्टी डाल दिया, मिट्टी में रेत है, कंकर है, सब कुछ है, उसमें खेती बाड़ी में काम नहीं हो सकता। 10 साल के राज में ममता को इस बंजर जमीन की सुध लेने की सुध ही नहीं आई, लेकिन बीजेपी की बढ़ती ताकत से ममता ने यू टर्न लेते हुए उसी जमीन पर कारखाना बनाने का ऐलान कर दिया जहां से कभी तोड़वाया था। इसीलिए बीजेपी की जबान पर तंज है। उसका मुख्यमंत्री होने के बाद 10 साल हो गया, अभी तक एग्रीकल्चर जो किसान का जो बात है, किसान के लिए कुछ भी नहीं किया। हम लोग 2019 में हम लोग को जब हुगली सीट में हमको दिया था तो उसमें हम लोग घर घर किसान के घर घर गया, परिवार के साथ बातचीत किया, और ये हम लोग को लगा कि किसान के लिए कुछ भी नहीं किया। बहुत सारा किसान ने सुइसाइड भी कर लिया था। हम लोग बोल रहे हैं अभी जो इंडस्ट्री का बात होगा वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगा सरकार आने के बाद। जो सिंगूर से ममता बनर्जी का उत्थान हुआ था 2011 में, और सिंगूर से ममता बनर्जी का पूरा पतन भी होगा और किसानों से हाथ से होगा। सिंगूर के किसान अपनी दुर्दशा पर रो रहे हैं, ममता को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं। उन्हें उम्मीद नहीं है कि ममता उनके लिए कुछ करेंगी, लेकिन टीएमसी का अपना दावा है बीजेपी अगर आएगा तब तो बनाने का सवाल पैदा होगा। 2021 में तृणमूल विच स्टार्ट विथ 221, 221 से तृणमूल स्टार्ट करेगा, उसका ऊपर जाएगा, 250 तक चला जाएगा। ममता बनर्जी थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर हो रहा है, जैसे डर्बी होता है अभी डर्बी में हैट्रिक होना है। सिंगूर फिर से नया से बनेगा, नया से रूप लेगा, और जो करेगा उनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का राजनीतिक उदय इसी जमीन से हुआ था, और इसी जमीन से ममता के वोटों की फसल तो लहलहा उठी, लेकिन जमीन बंजर रह गई। एक बार फिर बंगाल की राजनीति इसी जमीन के इर्द गिर्द घूमने लगी है। चुनाव में ये बंजर जमीन एक बार फिर वोटों की फसल के लिए अहम हो गई है।